मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने अमित शाह के लिए विवादित बयान दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा दिग्विजय सिंह का जनाजा निकालने वाले बयान पर कहा कि अगर हमारे यहाँ इस तरह का बयान दिया होता तो हम तो छोड़ते नहीं। राजनीति में बयानबाजी करते समय अक्सर राजनेता शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ पूर्व मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के साथ भी हुआ। मंगलवार को चाचौड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी दी। मरकाम ने कहा कि अमित शाह की इतनी हिम्मत कैसे हुई दिग्विजय सिंह के गढ़ में आकर जनाजे की बात करें। अगर उनके क्षेत्र में ये बात कही होती तो अमित शाह कूटे जा। पूर्व मंत्री मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि ओमकार सिंह मरकाम और उनकी पूरी पार्टी में बौखलाहट और घबराहट है, इसीलिए गृह मंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता एक बार फिर मिस्टर बंटाधार को घर बैठाने के लिए तैयार है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए जो भाषा का उपयोग ओमकार सिंह मरकाम जी ने किया है ये बेहद आपत्तिजनक है, अभद्र है और निचले स्तर का है। साथ ही ये कांग्रेस की बौखलाहट छटपटाहट को दिखाता है। ओमकार जी, आप तो जानते हैं कि जनाजा अगर किसी ने निकाला है तो वो जनता ने निकाला है। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनाया जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, पहले मुख्यमंत्री के पद से, पिछले लोकसभा में, और इस बार भी यही होने जा रहा है। तो जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो जनता की भावना है, उसको स्वीकार करें बजाय कि निचले स्तर पर जाने के। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।